कि एक्टिवा सिर्फ नाम से बिकती है, तो अब सबसे अच्छी चीज आपको सारे वेरिएंट्स में यहाँ पर यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है। आप वाइब्रेशन देख सकते हो, बिल्कुल भी वाइब्रेशन या जब सैंडल बार पर नहीं आ रहे हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चलाकर देखने वाले हैं 2022 जुपिटर 110 सीसी का स्टैंडर्ड वेरिएंट। हालांकि इंजन सारे वेरिएंट्स में सेम रहने वाला है, तो आज डिटेल में आपके साथ में इसका राइड रिव्यू शेयर करने वाला हूं। और इस पर एक मैं डिटेल रिव्यू बना चुका हूं, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। स्पेशली जो भी कोई एक्टिव और जुपिटर के बीच में कन्फ्यूज है, उसके लिए आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो चलते हैं अब इसकी राइड पर। अभी आपके सामने टाइटेनियम ग्रे कलर है। आपको पर्सनली कौन सा कलर पसंद आता है जुपिटर में, मुझे एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। 2022 से आपको जुपिटर में यहाँ पर इग्निशन स्विच मिल जाता है। कर लेते हैं गाड़ी को स्टार्ट। सभी आप देख सकते हो आइडल पोजीशन में गाड़ी बहुत ही साइलेंट है। और अगर आप एक्टिवा से कंपेयर करोगे एग्जॉस्ट नोट, तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों के ही रिफाइंड आते हैं। यहाँ थोड़ा ऑफ रोडिंग पैच भी आ गया है, यहाँ से निकाल लेते हैं पहले बाहर। सस्पेंशन की बात आगे करेंगे, बट अभी आप ये जो छोटे मोटे ऑफ रोडिंग पैचेस देख सकते हो ना, वो बिल्कुल भी फील नहीं हो रहे। स्टार्टिंग विद द इंजन स्पेसिफिकेशन, 109 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक फ्यूल इंजेक्टेड इंजन मिलता है, जो कि अराउंड 7.9 पीएस की पावर प्रोड्यूस करता है एंड 8.4 न्यूटन मीटर का टॉर्क। अगर हम एक्टिवा से कंपेयर करें ना, तो मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर है, दोनों की जो पावर है और एंड टॉर्क ऑलमोस्ट सिमिलर है। सबसे पहले गाड़ी का इनिशियल पिकअप थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। सो गाइस देखो, पिछली मैंने एक्टिवा पर राइड रिव्यू बनाया था, और मैं ऑनेस्टली बताना चाहूँगा उसके कंपैरिजन में इसका पिकअप थोड़ा ज़्यादा है। हैंडलिंग भी मुझे बेटर लगती है, बिकॉज उसका जो हैंडल बार है ना एक्टिवा का, वो थोड़ा मतलब मेरे को अजीब ही लगता है। जुपिटर का आप देख सकते हो बहुत ही कम्फर्टेबल है। और स्टैंडर्ड वेरियंट से ही आपको ईको एंड पावर का यहाँ पर मोड मिल जाता है। तो अगर मैं 40-50 प्लस ले जाऊँगा, देखते हैं कितने के बाद पावर मोड यहाँ पर आता है। तो जैसे ही मैं 50-55 प्लस ले गया, यहाँ पर पावर पर आ गई ये गाड़ी। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक सस्पेंशन मिलते हैं, रियर में हाइड्रोलिक कॉइल स्प्रिंग सस्पेंशन जो कि 3-स्टेप एडजस्टेबल है। एंड सस्पेंशन बहुत ही कंफर्टेबल है, मतलब पीछे का सस्पेंशन बहुत ही स्मूथ है, स्टिफर साइड नहीं है, तो मतलब जर्क्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगने वाले है। पिलियन का कम्फर्ट भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। एक्टिवा से कंपेयर करें तो इसमें 2-3 सिमिलैरिटीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोनों का वेट एक्टिवा 6G एंड जुपिटर 110 सीसी 2022 वेरिएंट्स की बात कर रहा हूँ, दोनों का वेट है 107 केजीज, ऑलमोस्ट सेम है। एंड सीट हाइट की बात करें तो दोनों में 65 mm की सीट हाइट मिल जाती है। इसलिए बहुत से लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यार जुपिटर लेना चाहिए कि एक्टिवा लेना चाहिए, दोनों में मतलब बहुत सी सिमिलैरिटीज है। बट अगर प्राइस की बात करें तो ये स्टैंडर्ड वेरिएंट है, जिसे एक्स शोरूम प्राइस है 70,000 रुपीज़, जो कि ऑल ओवर इंडिया सेम रहने वाली है, बट ऑन रोड स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। इसे परचेज करा गया अराउंड 83,000 रुपीज़ में। टर्निंग रेडियस की बात करें तो आप देख सकते हो, मतलब चलाने में अलग ही कॉन्फिडेंस आता है। स्पेशली स्कूटर्स को इतनी ज़्यादा लीन नहीं करता, बट जुपिटर को लीन करने में आपको इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी। और सबसे अच्छी चीज़, आपको सारे वेरियंट्स में यहाँ पर यूएसबी पोर्ट भी मिल जाता है, जैसा कि मैंने रिव्यू वाली वीडियो में भी आपको बताया था। एंड ये डिस्क वेरिएंट नहीं, आपको ड्रम ही मिलते हैं, बट आगे हम थोड़े से इसके ब्रेक्स भी चेक कर लेंगे। बट ओवरऑल आपको स्टैंडर्ड वेरिएंट में जितने नेसेसरी फीचर्स हैं सारे मिल जाते हैं। मैं आपको इसके ब्रेक्स दिखा देता हूँ, लाइक ब्रेकर आ गया है, तो आप ब्रेक देख सकते हो बहुत ही रिस्पॉन्सिव है। इसमें सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है। अगर आप एक्टिवा में देखोगे तो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम है, वो कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम ऐसा है ना, मेरे को बहुत ही बेकार लगता है, बिकॉज जब आप उसमें आगे का ब्रेक दबाते हो तो ऐसा लगता है कि टायर थोड़ा आगे जा रहा है, तो वो मेरे को चीज़ एक्टिवा की पसंद नहीं है। साइड मिरर्स का व्यू देखें तो काफ़ी अच्छा इसमें व्यू मिल जाता है। एंड ओवरऑल चलाने में बहुत ही बढ़िया है गाड़ी। मैंने आपको इंजन स्पेसिफिकेशंस तो बता ही दिए। अगर एक्टिवा से और सिमिलरिटीज़ की बात करें तो इसमें फ्यूल टैंक मिल जाता है 6 लीटर्स का, और माइलेज आपको आराम से 50-55 तो देने ही वाली है। कंपनी क्या क्लेम करती है वो बात नहीं कर रहा हूँ, बट आपको हाईवेज पर 55 प्लस, बिकॉज मेरे पास पर्सनली TVS Ntorq है और वही मुझे 55 तक हाईवे पर दे देती है अगर मैं 40-50 की स्पीड पर चलाऊँ, तो ये 60 भी टच कर सकती है। होप हम इसकी फर्स्ट सर्विस के बाद आपके लिए माइलेज टेस्ट भी लाने की कोशिश करूंगा। बट एक्टिवा में आपको 5.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है, जो कि इससे मतलब अराउंड 0.5 लीटर कम है। लेग स्पेस देख सकते हो आप, काफ़ी बढ़िया इसमें मिल रही है।
एंड टोटल 8 कलर चॉइसेस इसमें ऑफर करी जाती है। देखो ये मैट कलर की क्या खासियत रहती है ना, इसमें आपको लाइक ये टाइटेनियम ग्रे कलर है तो ये मैट फिनिश में आपको डर्ट भी विजिबल नहीं रहती है, स्क्रैचेस भी विजिबल नहीं रहते। बट अगर आप जुपिटर का ब्लैक या ब्लू कलर लोगे ना तो उसको मेंटेन करना काफ़ी डिफिकल्ट रहेगा। जहाँ तक की बात है कि लोग बोलते हैं कि यार एक्टिवा लेना चाहिए, अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा कि 2013 में आई थी जुपिटर, तब से मतलब देख सकते हो आज की तारीख में जुपिटर एंड एक्टिवा 6G दोनों तगड़े राइवल से अगर 2022 की बात करें तो। एंड दोनों में ही आपको मतलब लेने के बाद इन फ्यूचर रिसेलिंग बहुत ही अच्छी मिलने वाली है, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी 40-50 गाड़ी को चला रहे हैं ना, अब वाइब्रेशन देख सकते हो बिल्कुल भी वाइब्रेशन या जर्क्स हैंडल बार पर नहीं आ रहे हैं। एंड हॉर्न भी मैं आपको इसका सुना देता हूँ, थोड़ा कम लगा बट हालांकि आप स्टॉक उसमें लगा सकते हो, वो कोई बड़ी डील नहीं है। बट मतलब यार जो सिटी पर्पस के लिए लेना चाहता है जिसकी अराउंड 50 से 100 किलोमीटर्स की भी डेली रनिंग है तो आपको पावर लैग इसमें बिल्कुल भी फील नहीं होने वाला है। 110 सीसी का इंजन है तो जो कि बहुत ही अच्छी पावर आपको प्रोवाइड करता है। ट्वेल्व इंचेस के इसमें आपको टायर्स मिलते हैं फ्रंट एंड रियर, एंड जो सबसे बेसिक वेरिएंट है ना जुपिटर का उसमें आपको डिस्क आएगी आगे, बट स्टैंडर्ड से आपको एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं एंड ट्यूबलेस टायर्स है फ्रंट एज वेल एज रियर के, तो ग्रिपिंग भी काफ़ी अच्छी है। मतलब मैं अभी जैसे कि ये रेत है यहाँ पर तो इसमें चलाऊंगा तो मुझे ऐसा कोई स्किड होने का बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है इसमें, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है स्कूटर के सेगमेंट में देखा जाए तो। एंड ओवरऑल लॉन्ग क्रूजिंग के लिए बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है, अगर आप 50, 100, 200 किलोमीटर्स तक भी जाते हो तो आपको थकान बिल्कुल भी नहीं होगी इस पर। जैसा कि आप देख सकते हो अभी रिसेंटली अराउंड 3 या 4 जनवरी को इस गाड़ी को परचेस करा गया है एंड 250 किलोमीटर्स ही चली है। तो देखो जैसा कि मैंने एक्टिवा 6G भी चलाई थी तो मैं आपको दोनों के कंपेरिजन में ये बताना चाहूँगा कि यार एक्टिवा 6G का जो पिकअप है ना बहुत ज़्यादा ही लीनियर है। मतलब मैं ऑनेस्टली दोनों के कंपेरिजन बता रहा हूँ, दोनों ही चलाई है मैंने, 2022 BS6 वेरियंट की बात कर रहा हूँ, तो पिकअप उसका बहुत ही लीनियर है, उसके कंपैरिजन में आपको थोड़ा इसका पिकअप ज़्यादा मिलता है। दूसरी चीज़ यार आप जहाँ देखोगे वहाँ एक्टिवा है, मतलब एक्टिवा बहुत ही कॉमन हो गई है, उसके कंपैरिजन में आप जुपिटर पर जाओगे तो ज़्यादा बेटर रहने वाला है। अब देखो थोड़ा सिटी वाला एरिया भी आ गया तो हम सिटी में भी कम्यूट करके देखेंगे चलाने में कैसी है। तो जैसा कि मैंने बता दिया था 765 mm की सीट हाइट है, तो जो भी कोई शॉर्ट राइडर्स है फीमेल राइडर्स है वो भी इसको ईजिली चला सकते हैं। आप ये लीवर और इसकी गैप देख सकते हो बहुत ही कम है, तो जिनके हाथ छोटे हैं वो भी इसको इजीली चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और जो भी कोई एक्टिवा और जुपिटर लेने में कंफ्यूज है तो मैं यही बताना चाहूँगा कि यार आग बंद करके जुपिटर के लिए जाओ। मैंने एक्टिवा वाली वीडियो में भी डायरेक्टली शेयर कर दिया था कि एक्टिवा से ज़्यादा मुझे जुपिटर पसंद है। 125 CC के सेगमेंट में देखा जाए तो अब एक्टिवा 125, एक्सिस 125, इन सब का तगड़ा कॉम्पिटिशन आ गया है जुपिटर 125, तो उसे भी आप अगर आपका थोड़ा बजट बढ़ा सकते हो, थोड़ी पावर ज़्यादा चाहिए, माइलेज के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो तो आप उस गाड़ी के लिए भी जा सकते हो। नहीं तो TVS का एंटॉर्क वन एंड ओनली बेस्ट ऑप्शन है ही आपको स्पोर्टी सेगमेंट में। तो देखो ओवरऑल तो मैंने सारे स्पेसिफिकेशन शेयर कर दिए, तो मेन डाउट लोगों को यही रहता है कि यार एक्टिवा लेना चाहिए कि जुपिटर। अब जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि एक्टिवा सिर्फ नाम से बिकती है, तो अब यही फैक्ट बच गया है कि नाम से बिकती है, तो जुपिटर वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन रहने वाली है। रिव्यू वीडियो तो बना ही चुका हूँ, कुछ भी डाउट हो तो बेझिझक कमेंट में पूछ लेना, एंड चैनल पर कोई भी नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, उसी के बाद आपको बेल आइकन मिल जाएगा उसको प्रेस कर लेना जिससे आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट मिलते रहेंगे।